तो दोस्तों, यह है दीमापुर, जो कि नागालैंड राज्य का सबसे बड़ा शहर और यहाँ का एक कॉमर्शियल सेंटर है। दीमापुर को मिनी इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ देश के ऑलमोस्ट सभी हिस्सों के लोग मिलजुल कर रहते हैं। अगर इस शहर के इतिहास को देखें तो यहाँ का इतिहास काफ़ी लंबा है, क्योंकि दीमापुर पहले दीमासास साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था, तथा इस शहर का नाम भी दीमासा शब्द पर ही रखा गया है, जिसमें दी यानी कि पानी, मा यानी कि बड़ा या फिर विशाल, और पूरी यानी कि शहर। इस प्रकार दीमापुर का मतलब होता है विशाल नदी के निकट शहर, तथा आज के टाइम पे यह उत्तर पूर्व के सबसे तेजी से बढ़ते हुए शहरों में गिना जाता है, जो भले ही इस राज्य की राजधानी तो नहीं है, लेकिन यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर और यहाँ की सुविधाएं किसी भी बड़े शहर में उपलब्ध सुविधाओं से कम नहीं है। एंड वैसे तो आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि नागालैंड में जाने के लिए हम भारतीयों को इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है, परंतु इस राज्य में दीमापुर ही एकमात्र ऐसा शहर है जो इस अधिनियम से बाहर है, यानी कि दीमापुर जाने के लिए पर्यटकों को इनर लाइन परमिट लेना अनिवार्य नहीं होता। वहीं आबादी के लिहाज से दीमापुर इस राज्य का सबसे बड़ा शहर है, जहाँ की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन लगभग 4,15,000 लोगों की है, जिसमें कि 45.10% क्रिश्चियंस, 41.11% हिंदू, 11.21% मुस्लिम्स, 1.73% जैन और बाकी यहाँ पर अन्य धर्मों के लोग भी शामिल हैं, तथा यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश है, बट यहाँ पर सबसे ज़्यादा नागामीज भाषा बोली जाती है, क्योंकि दीमापुर में सबसे अधिक नागा जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं, जो इस शहर की आबादी का लगभग 50% है। वहीं यहाँ की मेजर इकॉनमी टूरिज्म और यहाँ के लोकल इंडस्ट्रीज पर आधारित है, जो नागालैंड स्टेट की टोटल इकॉनमी में लगभग 9% का योगदान देती है। और अब जान लेते हैं इस शहर के ट्रांसपोर्टेशन सुविधाओं के बारे में। तो दीमापुर नागालैंड का एकमात्र ऐसा शहर है जो रेल, रोड एंड एयरपोर्ट की एक अच्छी कनेक्टिविटी रखता है। रेल मार्ग, यहाँ का दीमापुर रेलवे स्टेशन शहर के गोलाघाट रोड पर स्थित है, जिसमें कि टोटल 3 प्लेटफॉर्म्स हैं। रोड मार्ग, दीमापुर NH-29, NH-129 और 129A से जुड़ा हुआ है, जो शहर से होकर गुजरती है, तथा इस शहर के बाहरी हिस्सों से एशियन हाईवे 1 और 2 भी क्रॉस करती है। हवाई मार्ग, यहाँ का नजदीकी दीमापुर एयरपोर्ट सिटी सेंटर से लगभग 7 किलोमीटर दूर स्थित है। यह इस राज्य का एकमात्र सिविल एयरपोर्ट है, जहाँ से कोलकाता, गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ और इम्फाल जैसे शहरों के लिए नियमित उड़ानें भरी जाती हैं। और अब जान लेते हैं दीमापुर में घूमने फिरने योग्य कुछ स्थानों के बारे में। तो यहाँ पर आप ट्रिपल फॉल्स, ग्रीन पार्क, नागालैंड जूलॉजिकल पार्क, कचहरी र्यून्स, रंगा पहाड़ रिजर्व फॉरेस्ट और हांगकांग मार्केट जैसी जगहों पर घूम सकते हैं।